आज मैंने आप लोगों के लिए एक शानदार रगड़ा चाट रेसिपी लेकर आई हूँ। जिसे को रगड़ा और चाट पसंद है ऐसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। और उसका साथ साथ मैंने आज भी वही व्हाइट मटर से आज एक शानदार रेसिपी बनाऊंगी, जो मटर आलू का ग्रेवी और इसे घुगनी भी बोलते। आइए इसे बनाना शुरू करते। हाय एवरीवन, नमस्कार। मम्मीज किचन में आप लोग बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम एक कुकर गैस पे रख लेंगे, फिर हमें व्हाइट मटर ऐसे रात भर भिगो ली थी, इसे हम अच्छा से धो ली, दो चार बार धोकर इसे हम डाल लेंगे। मैंने 200 ग्राम मटर भिगो ली थी। देखिए, आप जब बनाएं ऐसे व्हाइट मटर से बनाएंगे तो आपका जो रेसिपी अच्छा बनता है। इसमें हमें रगड़ा चाट भी थोड़े बनाएंगे और घुगनी भी थोड़ी बनाएंगे। देखिए, इतना पानी डालना है हमारा जो अंगूठा का एक लाइन तक पानी आना चाहिए। देखिए, अभी हमें एक आलू उसके ऊपर छिलका हटा ली, एक आखाई से डाल ले रही हूँ। फिर इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। आप चाहे तो फिर बाद में भी थोड़ी नमक डाल सकते हैं। और थोड़ा सा नमक डाले, फिर हमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालकर अभी हमें कवर लगा लेंगे। इसे हमें 2 से 3 सीटी आने देंगे और इसे कवर लगाकर हमें गैस ऑन कर लेंगे। 2 सीटी आए, हमें गैस ऑफ कर लेंगे। देखिए, अभी हम गैस ऑफ कर ली थी और 2 सीटी आने के बाद हमें इसका हवा निकल ली। हमारा जो मटर परफेक्ट कुक हो चुकी, इसे हम देखिए हमारा आलू भी अच्छा से कुक हो चुकी। इसे हम स्पून से इसे मैच कर लेंगे। प्रेस करेंगे तो आलू हमारा आखा से टूट जाएगी और अच्छा से मिल जाएंगे। इसे दाना दाना रहना चाहिए और हमारा जो घुगनी भी अच्छा बनता है और हमारा जो रगड़ा चाट भी अच्छा बनता है। अभी भी जब भी रगड़ा चाट बनाए कि घुगनी बनाए, एक छोटा सा आलू की बड़ा सा आलू डाले तो आपका अच्छा बनता है। फिर हमें एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई का गर्म हो जाए, फिर हमें 1 टीस्पून जीरा इसमें डाल लेंगे और जीरा हमें थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। इसे हम बारीक पाउडर बना लेंगे। देखिए, इसे हम जीरा हमारा फ्राई हो चुकी, इसे हम ठंडा कर लेंगे, बाद में इसे हम पाउडर बना लेंगे। फिर वही कढ़ाई से हम 2 से 3 टीस्पून ऑयल डाल लेंगे। हमें डायरेक्ट बनाएंगे, इसमें दो ही चीज़ें हमारा बनेगा। ऑयल हमारा थोड़ी गर्म हो चुकी, फिर हमें थोड़ी सी दालचीनी टुकड़ा और थोड़ी जीरा हमें इसे डाल लेंगे। और जीरा थोड़ा अच्छा से तड़का आ जाए, फिर हमें एक बड़ा सा प्याज बारीक बारीक काट कर ली थी उसे हम डाल लेंगे। अभी हमें गैस मीडियम आंच पे रख कर इसे हम फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज थोड़ी हमारा सॉफ्ट हो जाए तब तक के लिए हमें इसे फ्राई कर लेंगे। अभी हमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन पेस्ट इसमें हम डालकर इसे भी हमें अच्छा से प्याज का साथ मिला लेंगे। और अभी हम गैस लो कर लेंगे। देखिए, हमें फिर एक बड़ा सा टमाटर, आप चाहे 1-2 भी डाल सकते हैं। इसे मैंने बड़ा सा टमाटर को ऐसे बारीक बारीक काट कर ली थी उसे भी डाल लेंगे। और इसे भी हमें मसाला का साथ थोड़ी सी नमक डालकर इसे हम कवर कर लेंगे। जब तक हमारा प्याज टमाटर और इसमें हमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे और सारे चीज़ें अच्छा से मिला लेंगे। और इसे हम सॉफ्ट होने के लिए कवर लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम आंच पे। देखिए, 2 मिनट का बाद इसमें ऑयल छोड़ने लगी और हमारा टमाटर थोड़े गल चुके। इसे हम अच्छा से मैच कर लेंगे और सारे चीज़ अच्छा से मिला लेंगे। एक बात याद रखिए, जब भी आप मसाला कुक करें मसाला थोड़ा पकना चाहिए, नहीं तो हमें जो कुछ बनाते हो वह स्मेल आता है। फिर हमें जो फ्राई हुआ जीरा ली थी इसे हम उसका साथ साथ पाउडर बना लेंगे। फिर पाउडर बनाकर साइड रखकर हमें 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर हमें मसाला का ऊपर छोड़ देंगे और सारे चीज़ हम अच्छा से मिला लेंगे। देखिए, हमारा टमाटर अच्छा से मैच हो चुकी। फिर हमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर
और इसमें हमें हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल लेंगे। अच्छे से अभी हमें कवर कर लेंगे, फिर कवर हटाकर हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा मसाला से ऑयल थोड़ा छोड़ने लगे, फिर हमें थोड़ी सी पानी डाले, इसमें हाफ कप पानी डालकर इसे हम और थोड़े टाइम इसे हम पका लेंगे। अभी हमें लो मीडियम आंच पे इसे दो सेकंड हमें इसे पकाएंगे, जब तक और मसाला सारे अच्छे से कुक हो जाए। देखिए फिर हम इसे कवर कर लेंगे। अभी हमारा गैस लो है, फिर देखिए मसाला से ऑयल ऊपर आने लगे। अभी हमें अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर को और भी थोड़ा हमें मैच कर लेंगे। मैच टमाटर जितना मैच हो जाए उतना हमारा ग्रेवी अच्छा बनता है। देखिए फिर हमें 2 सेकंड कवर कर लेंगे। अभी हमें हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर इसमें डाल लेंगे, कोई भी गर्म मसाला पाउडर आप डाल सकते हैं। फिर सारे चीज़ अच्छे से हमें मिला लेंगे। एक बात ध्यान देना चाहिए, आप जब भी कुछ भी बनाते कुछ भी कुक करते इसे हम थोड़ी मसाला हमारा अच्छा से कुक हो जाए तो हमें जो बनाएंगे थोड़ी अच्छा टेस्ट और स्वादिष्ट लगता है हमारा। जब हमें मसाला कुक करते तो मसाला हमारा अच्छा से कुक होना चाहिए। देखिए हमारा मसाला अच्छा से हम मैच कर ली और मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुकी। इसे अभी हमें जो मटर आलू बॉयल हुआ रखे थे इसे हम डालकर अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए इसे हम मीडियम आंच पे कुक कर लेंगे कवर करते हुए। फिर देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ गई, फिर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसमें हमें थोड़ी सी रगड़ा चाट बनाने के लिए निकाल लेंगे। आपको जितना रगड़ा चाट बनाना है वही हिसाब से हमें निकाल लेंगे। मैंने 2 प्लेट बनाऊंगी, वही हिसाब से 2 प्लेट के लिए निकाल ले रही हूँ। अभी हमें जो बच्चे हुए ग्रेवी के ऊपर, जितना आप लोगों को ग्रेवी चाहिए आप चाहे तो वही हिसाब से रख सकते। मैं थोड़ी दूसरा चीज़ का साथ खाएंगे तो इसे हम 1 गिलास गर्म पानी डालकर 2 सेकंड के लिए इसे हमें कवर करते हुए पकाएं। देखिए आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा रखें, नहीं तो इसे हमें उबाल लेंगे। और देखिए इतना हमको ग्रेवी चाहिए। हमारा अभी जो मटर घुघनी बनकर रेडी हो गई, फिर हमें थोड़ी सी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ते इसे हमें डाल लेंगे। और जो कुटी हुई हमें जीरा पाउडर बनाई थी दरदरा, उसे भी हमें दिखाती हूँ। देखिए इसे हम दरदरा पीस कर ली थी, इसे हमें 1 टीस्पून डाल लेंगे। सारा चीज हमें अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ कितना शानदार हमारा जो मटर घुघनी बनकर रेडी हो गए। देखिए और कितना शानदार प्यारे दिख रहा है। और आइए इसे हमें थोड़ी जो हमें काली आप लोगों का साथ रेसिपी शेयर कर चुकी, इसे का साथ खाओगे तो बहुत दमदार लगता है। फिर आइए इसे हम गरम गरम सब कर लेंगे। और हमारा जो घुघनी बनकर रेडी हो चुकी, हम जो रगड़ा बनाएंगे उसके लिए हमें 1 प्लेट लेंगे, उसमें हमें जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से निकाल ले। फिर हमें थोड़ी सी कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची और हमें कटी हुई धनिया पत्ता और थोड़ी सी ब्लैक पेपर नमक, फिर हमें थोड़ी सी मीठी चटनी और उसका साथ साथ हमें थोड़ी बूंदी दाने और थोड़ी सी सेव, और फिर उसका ऊपर हमें वही रिपीट कर लेंगे। चाहे तो आप फ्रेश दही भी डाल सकते हैं, क्रीम डाल सकते हैं, 1 नींबू से इसे हम सब कर लेंगे। फिर हमें थोड़ी चाट मसाला, थोड़ी जीरा पाउडर और भी हमें फिर वापस वही बूंदी और सेव डालकर इसे हम सब कर लेंगे। देखिए हमारा जो चाट तैयार हो गई। आप लोग मेरी रेसिपी कैसे लगी? अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।